अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप लोग सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं हमारी न्यू डिश दाल गोश्त की रेसिपी। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे यूट्यूब में फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलो हम स्टार्ट करते हैं हमारी न्यू रेसिपी। चलिए हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये हमने लिए है आधा किलो मटन, और ये हमने थोड़ी सी कोतमीर, थोड़ा सी पुदीना, थोड़ी सी कड़ी पत्ता, हरी मिर्ची दो तीन, पाव किलो तुअर की दाल। अगर आपको मसूर की दाल में बनाना है तो आप उसी में भी बना सकते हो। पाव किलो लिए हमने दाल, और ये हमने गरम मसाला लिए है लौंग 4 से 5, और कुछ हमने काला मिर्च लिए है 15 तक, और आधा चम्मच जीरा, 2 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची और 2 दालचीनी, और ये कुछ हमने अक्की लाल मिर्ची लिए, उसको हमने बीच में से तोड़ दिए 2 करे, और ये हमने 2-3 तेज़पत्ता लिए हैं, और ये हमने एक बादियान फूल को हमने इस तरह से तोड़ कर रखे हैं, और ये हमने सूखे मसाले लिए हैं 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर तेज़ वाली, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर, और ये आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची, और ये हमने एक दुधिया अपने हिसाब से लिए, आपको आपके ऊपर है आप कितनी भी लेना। और ये हमने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लेके इसको बारीक बारीक कटिंग किए हैं, 1 चम्मच हरी मिर्ची का पेस्ट, 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। चलो हम स्टार्ट करते हैं। चलो हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले हमने 2 चम्मच भरकर तपेली में तेल ऐड किए। सबसे पहले हम दूधिया तलेंगे, और यहाँ पर हमने दूसरी तरफ दाल को गलाने के लिए रख दिए है 2 सीटी फास्ट पे लिए। 5 से 7 मिनट हम स्लो कर देंगे, और यहाँ पर हम तेल गरम कर रहे हैं दूधिया दूधिया फ्राई करने के लिए। बिस्मिल्लाह। और ये हमने सरसों का तेल का इस्तेमाल कीजिए, अगर आपके पास रिफाइंड तेल है तो आप उसमें भी बना सकते हो, हम सरसों में बना रहे। देखिए दोस्तों, ये हमने तेल गरम करके 3 से 4 मिनट इसको अच्छे से हिलाकर हमने तल लिए हैं। अब इसको हम तेल निथार कर बाहर निकाल देंगे दूधिया को। देखिए हमने दूधिया को निकाल लिए, वही तपेली में हमने 1 चम्मच ऐसा और तेल ऐड कर लिए हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे कड़ी पत्ता, और जो हमने अक्के गरम मसाले बताए थे ना वो ऐड करेंगे। अक्की लाल मिर्ची हटा कर हमने ये सारे गरम मसाले कड़ी पत्ता इसमें ऐड कर लिए। इसको अच्छे से हम चटकने देंगे। इसके बाद हमने 3 मीडियम साइज़ की प्याज को स्लाइस में कटिंग किए हैं, वो इसमें ऐड करेंगे। अभी हमने इसमें 3 मीडियम साइज़ की प्याज को कटिंग करके इसमें ऐड कर लिए हैं। अब इसको हम अच्छे से लाल करेंगे प्याज को, और इसमें ना थोड़ा सी हम आधा चम्मच नमक ऐड कर देंगे ताकि हमारी प्याज जल्दी से लाल हो जाए। देखिए हमने इसमें आधा चम्मच नमक ऐड किए हैं, आप अपने हिसाब से ऐड करना। और यहाँ पर हमने दाल को गलाने रखे थे बिना हल्दी और बिना नमक के, 2 ग्लास भर के हमने इसमें पानी ऐड किए थे। अब इसको हमने अच्छे से गला लिए हैं, और अभी हम प्याज को अच्छे से लाल करेंगे, बाद में दूसरे मसाले ऐड करेंगे। प्याज हो चुकी है लाल, अभी हम इसमें ऐड करेंगे मटन। बिस्मिल्लाह। अब मटन ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। एक पकड़ की मदद से आप तपेली को इस तरह से पकड़ लेना और अच्छे से मिक्स कर लेना। इसका गोश्त का पानी लगभग सूखने तक हमको इसको मिक्स करते रहना है। अब इसके बाद इसमें ऐड करेंगे हम अदरक लहसुन का पेस्ट, और अल्लाने के लिए हरी मिर्ची का पेस्ट भी ऐड करके हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसको कच्ची वास आने तक 1-2 से 3 मिनट हम अदरक लहसुन मिर्ची को भून लेंगे। देखिए 1 से 2 मिनट हो चुका है भूनते हुए अदरक लहसुन को। अब इसमें ऐड करेंगे हम टमाटर, और हम पूरे सूखे मसाले, हल्दी, हमने हल्दी ऐड किए थे। इसके बाद हम ऐड करेंगे धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर तेज़ वाली, और ये कश्मीरी लाल मिर्ची,
और हम गरम मसाला पाउडर अभी नहीं ऐड करेंगे, सारे मसाले हमने ऐड कर दिए गरम मसाला छोड़कर। अभी हम इसको अच्छे से भूनेंगे, टमाटर को भूनते भूनते हम गला देंगे। अभी हम इसमें एक गिलास पानी ऐड करके इसको 5 से 6 मिनट ढक के रख देंगे ताकि हमारा जो टमाटर प्याज है अच्छे से नरम हो जाए। देखिए अभी हम इसमें एक गिलास पानी ऐड करें, हम कुकर में नहीं गलाएंगे, हम तपेली में ही गोश्त गलाएंगे। अच्छे से मिक्स कर देंगे और ढक देंगे हम अपना ढक्कन। बिस्मिल्लाह, अब इसको ढक के रख देंगे हम 5 से 6 मिनट के बाद, फिर देखेंगे चेक करेंगे भुनना हुआ कि नहीं हमारा। देखिए माशाल्लाह अच्छी तरी भी आ गई है हमारी। अब इसका जो है ना खेल क्या है, अभी हम उसमें ऐड करेंगे 1 गिलास से 1.5 गिलास पानी, क्योंकि हमको गोश्त को गलाना है। बिस्मिल्लाह, देखिए हमने इसमें 1 गिलास भरकर पानी ऐड किए हैं। अभी हम इसको चम्मच से अच्छे से बीच में मसाला हम पूरा मिक्स कर लेंगे गोश्त के साथ। किनारी भी अच्छे से हम साफ़ कर लेंगे और उसको हम रख देंगे 20 से 25 मिनट के लिए ढक्कन ढक कर। यहाँ पर हमारी दाल भी गल चुकी है और ये भी इंशाल्लाह गल जाएगा 20 से 25 मिनट। चलिए 20 से 25 मिनट हो गया है, अभी हम ढक्कन हटाकर देखते। देखिए माशाल्लाह लगभग हमारा मटन गल चुका है, जो भी इसमें हल्की कसर रहेगी वो दुधिया और दाल पकने में इंशाल्लाह वो भी कसर पूरी हो जाएगी। अभी हम इसमें ऐड करेंगे तला हुआ दुधिया, इसको अच्छे से हम साथ में मिक्स कर देंगे इसके। और साथ ही साथ हमको इसमें ऐड करना है थोड़ा सी बारीक कटा हुआ पुदीना। अब इसको हमने 20 से 25 मिनट 5 मिनट फास्ट पे रखे थे और 20 मिनट हमने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे कर दिए थे गैस को। और बीच बीच में हम ढक्कन हटाकर 2 से 3 बार देखते रहेंगे ताकि हमारा जो मसाला है चिपके नहीं लगे नहीं, इसके लिए बीच बीच में 1-2 बार चम्मच मार देना हटाकर। अभी हम गैस को फास्ट कर देंगे, दूधिये को भी साथ में इसके भूनेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे हम दाल, दाल को हमने अच्छे से घोट लिए थे बिस्मिल्लाह की बरकत। देखिए हमने उबली हुई दाल भी गोश्त के साथ में ऐड कर दिए है और हम इसमें 1/2 ग्लास दाल जो हमारी कुकर में लगती है बस उतना है, हमने 1/2 ग्लास पानी इसमें ऐड किए थे, उसको अच्छे से हिलाकर कुकर का पानी इसमें हमने ऐड कर लिए। अब इसको हम अच्छे से जोश लेंगे, बॉयल आने देंगे इसको अच्छे से। और यहाँ पर हमने दूसरे गैस पे चावल को बघार कर बनाए हैं। आप दाल गोश्त के साथ बघारा हुआ चावल खाना अच्छा लगता है, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। देखिए अभी हम चावल को लगा देते हैं दम पे और हम दाल को बॉयल आने तक रास्ता देखेंगे। अभी अब इसमें ऐड करेंगे हम केवड़ा वाटर, ज़्यादा नहीं, हमको 2-3 बूंद ऐड करना है। और उसमें ऐड करेंगे हम गरम मसाला पाउडर, इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। केवड़ा वाटर गरम मसाले को अच्छे से हम मिक्स करने के बाद इसमें ऐड करेंगे हम हरी मिर्ची बीच में से कट लगाकर, अगर आपको पसंद है तो आप डालिए, आप तेज़ खाते हैं तो डालिए वरना स्किप भी कर सकते हैं, आप जैसा तेज़ खाते हो वैसा ऐड कीजिए। 2 से 3 मिर्ची हम इसमें ऐड करेंगे। अब यहाँ पर हमने एक छोटा सी दाल बघारने वाले में 1 चम्मच भरकर घी ऐड किए हैं, घी को अच्छे से हम पूरा मेल्ट कर देंगे। अब इसमें ऐड करेंगे हम ज़ीरा, 1/2 चम्मच ज़ीरा और अक्खी लाल मिर्ची। अब इसको अच्छे से हम हिला लेंगे। अब दे देंगे हम इसमें बघार बिस्मिल्लाह की बरकत और फौरन हम इसको ढक देंगे। ये स्टेप है ना आप लोग भी भूलना नहीं है, ये स्टेप से इंशाल्लाह और भी अच्छा जायकेदार बनेगी डिश अपनी। देखिए माशाल्लाह कितनी बढ़िया लग रही है हमारी दाल गोश्त की रेसिपी। अब इसमें हम थोड़ी सी कोथमीर ऐड करेंगे। अब इसको 1 से 2 मिनट तरी आने तक हम 1/2 ढक्कन ढक देंगे, फिर हम डिश आउट करेंगे।
देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यह हमारा दाल गोश अंसारी स्टाइल में बनकर हो गया तैयार। आप लोग ज़रूर ट्राई करना, बढ़िया रेसिपी है। और हमारा बघारा चावल, और ये हमने लिए हाफ बुरुन, हम इसके साथ में सर्व करेंगे। आप लोग भी ज़रूर पाव के साथ, या कड़क पाव, नरम पाव, जो भी पाव मिलता है उसके साथ ज़रूर खाना। हमने आज इसको बनाया, हम इसको कल सुबह नाश्ते में इंशाल्लाह कड़क पाव के साथ खाएंगे। बहुत सुपर डिश है ये, इंशाल्लाह आप लोग ज़रूर ट्राई करना। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, नए नए वीडियो आप लोग को देखने मिले। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।